हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आवर क्रिकेट। आज बताने वाला हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सेकंड ओडीआई की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर की बात करते हैं, तो ओपनर दोस्तों पहले नंबर पे एरन फिंच, दूसरे नंबर पे एलेक्स कैरी आने वाले हैं, कंफर्म है। पिछले मैच में भी ये दोनों आए थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके मिडल ऑर्डर की, 3, 4, 5 नंबर। तीसरे नंबर पे दोस्तों उस्मान ख्वाजा, चौथे नंबर पे शॉन मार्श, पांचवें नंबर पीटर हैंडसॉम, ये मिडल ऑर्डर में आने वाले हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके लोअर ऑर्डर यानी ऑलराउंडर्स की, 6, 7 नंबर। 6 नंबर पे दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल और 7वें नंबर पे दोस्तों मार्कस स्टोइनिस आने वाले हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी गेंदबाज से यानी बॉलर्स की, तो 8, 9, 10, 11 नंबर। 8वें नंबर पे दोस्तों नेथन लायन, 9वें नंबर पीटर सिडल, 10वें नंबर पे जाय रिचर्डसन, 11वें नंबर पे जे बैरन रॉफ। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के पिछले मैच की तरह प्लेइंग 11 रहने वाली है, प्लेइंग 11 एकदम सेम रहने वाली है पिछले मैच की तरह। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो इंडिया के प्लेइंग 11 दोस्तों ओपनर्स की बात कर ले तो शिखर धवन, रोहित शर्मा ओपन आएंगे, कंफर्म्ड है। अब दोस्तों बात कर ले मिडल ऑर्डर की, 3रे नंबर पे विराट कोहली, 4थे नंबर पे अंबाती रायडू और 5वें नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी। अब दोस्तों बात कर ले इनके लोअर ऑर्डर की यानी 6, 7 नंबर। 6 नंबर पे दोस्तों दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं गया था, इस वजह से मेरे हिसाब से केदार जाधव को उनकी जगह खिलाया जाएगा। और 7वें नंबर पे दोस्तों रविंद्र जडेजा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके गेंदबाजों यानी 8, 9, 10, 11 नंबर। 8वें नंबर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार, 9वें नंबर पे कुलदीप यादव, 10वें नंबर पे खलील अहमद और 11वें नंबर पे मोहम्मद शमी। दोस्तों ये इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों ये थी हमारी रिपोर्ट, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं और आप क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर।